नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो समझना काफी ज्यादा मुश्किल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा रहती है कि वहां जो है बसपा जो है भाजपा का ग्रुप बी बनकर के काम करती है। देखिए, भाजपा का ग्रुप बी बनकर के काम करती है, ये बात इस वजह से कही जा रही थी क्योंकि लोकसभा के जो उपचुनाव हुए आजमगढ़ और रामपुर में, वहां पर अखिलेश यादव के वोट को काटने के लिए मायावती ने जो है अपने मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। देखिए, मायावती जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, राजनीति में काफी अच्छी पकड़ दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो अभी ट्विटर पर ट्वीट करके जो निशाना साधा है सपा पर और भाजपा पर, वो काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाला है एक बड़ी खबर के रूप में। देखिए, मायावती ने दावा किया है कि भाजपा जो है उसका ग्रुप बी है अखिलेश यादव की सपा। जी हाँ, एक बड़ा दावा उन्होंने कर दिया कि सपा जो है जो मुख्य विपक्ष के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में है वो भाजपा का ग्रुप बी है, यानी भाजपा के साथ उनके अंदरूनी संबंध है। ये दावा जो है मायावती ने किया, जिससे राजनीतिक हलकों में जो है हड़कंप मच गया। आप देखिए, इसके पीछे उन्होंने जब ये बात कही तो इसके पीछे कई तथ्य भी पेश किए। देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सबसे बड़ा मुख्य विपक्ष उत्तर प्रदेश में होने के नाते जो है अखिलेश यादव जो है वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं रहे, भाजपा को वहाँ पर वॉकओवर मिला हुआ है, भाजपा अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दर्शाता है कि भाजपा के ग्रुप बी बनकर अखिलेश यादव जो है काम कर रहे थे। देखिए, अखिलेश यादव शुरू से इल्ज़ाम लगा रहे थे बसपा के ऊपर कि वो भाजपा का ग्रुप बी बन के काम कर रही है, लेकिन अब यहाँ जो है इल्जामों की पेटी उल्टी हो गई। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट टाइम।